हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता। आज मैं अपने किचन में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, वैसे ही बनाने में बहुत ही आसान होता है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं गाजर का हलवा। आइए मैं आपको बताती हूं इसको बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए गाजर ग्रेट कर ली है, घी, चीनी और खोया और कुछ मेवे जो कि मैंने बादाम और काजू लिए हो। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और हम गैस ऑन कर देंगे। और इस ये देखिए गैस ऑन हो चुकी है। अब इस पैन में हम गाजर डालेंगे। अब गाजर में एक स्टीम हम लगाने देंगे ये, ताकि ये नरम हो जाए। ये एक स्टीम लग के ठंडा हो चुका है। अब हम इसे खोलेंगे। ये देखिए, ये जो गाजर थी जो मैंने कद्दूकस की हुई थी, अब ये नरम हो चुकी है। ये देखिए, अभी इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम इसे एक छोटी कढ़ाई में इसे डालेंगे। सबसे पहले हम ये कढ़ाई रखेंगे और इस तरह से गैस को ऑन कर देंगे। गैस ऑन करके अब कढ़ाई में हम घी डालेंगे उसमें। ये मैंने इसमें घी ही डाला जाता है, फिर ये बहुत टेस्टी बनता है। नहीं तो इसमें थोड़ा अगर तेल डालेंगे तो इसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। अब हमने बॉईल की हुई गाजर इसमें डाल देंगे। देखिए, ये देखिए इस तरह से अब बॉईल हुए गाजर को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। जैसे कि गाजर आपको पता ही है ये मीठी होती है, तो इसमें कम ही चीनी डलती है। बट कई लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं या कम खाते हैं, तो अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। कि जितनी भी चीनी डालनी है वो अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। अभी ये चीनी जो है वो पानी छोड़ेगी, तो इसे अच्छे से सुखाना है। काजू और बादाम को मैंने दरदरा कूट लिया है। अब मैंने इसमें खोया ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो मैं मेवे लिए थे मैंने उसको दरदरा कूटा हुआ है, उसको भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए, आप इसमें आपको अच्छा लगता है मैं किशमिश, काजू या कोकोनट वो भी मिक्स कर सकते हैं। पर मेरे को काजू और इसमें बादाम अच्छे लगते हैं, और इसमें किशमिश मेरे को अच्छी नहीं लगती है और मेवे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है। अपने स्वाद के अनुसार आप ये सब मेवे डाल सकते हैं। ये देखिए, देखिए अब गाजर, ये देखिए ये हमारा गाजर का हलवा
बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स ये देखिए मेरा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। अब इसे मैं टेस्ट करने जा रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मैं एक और वीडियो के साथ अपडेट होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।